हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम व्रत में खाया जाने वाला साबूदाने का फलाहारी नमकीन उसको बनाने जा रहे हैं। आप इसको चाहे तो किसी भी व्रत में शिवरात्रि या नवरात्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पहले से बनाकर रख लीजिए और व्रत वाले दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो वैसे भी ये इतना टेस्टी बनता है कि आप नॉर्मल डेज में भी चाय के साथ जो है आप इसको बनाकर एज ए स्नैक यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। हम इसके लिए सबसे पहले दो छोटे आलू लेंगे, उनको हम स्लाइसेस के अंदर कट करेंगे और फिर हम उनके छोटे छोटे से जूलियंस उसमें कट करेंगे। और हम उसको ठंडे पानी के अंदर रख देंगे। अब हम एक कप मोटा साबूदाना लेंगे। जो हम साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं उसके लिए हम छोटा साबूदाना यूज़ करते हैं, इसको हम फ्राई करने के लिए मोटा साबूदाना यूज़ करेंगे। हम एक पैन में खूब सारा तेल लेंगे और उस तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। अगर तेल हमारा अच्छे से गर्म नहीं होगा तो जब हम साबूदाना फ्राई करेंगे तो वो मुँह में चिपकेगा, चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। तो पहले आप उसको खूब तेज गर्म कर लीजिए और फिर जब हम उसको साबूदाना उसके अंदर डालेंगे उस टाइम पर उसकी आँच मध्यम रख लीजिए और साबूदाना अच्छे से सिकने तक आप उसको उसके अंदर फ्राई करेंगे। आप एक उसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि आपका साबूदाना पका है या नहीं। अगर थोड़ा सा कच्चा है तो उसको और देर तक फ्राई कर लीजिए। उसको जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो किसी एक बाउल में या एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब हम आधा कप मूंगफली लेंगे और उसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे और उसको भी बाउल में निकाल लेंगे। अब 1/4 कप सूखा नारियल, उसको भी फ्राई करके बाउल में निकाल लेंगे। अगर अब आप इसके अंदर बादाम डालना चाहते हैं तो 1/4 कप बादाम, वो भी अच्छे से फ्राई करके आप उसको एक बाउल में निकाल लीजिए। अब जो हमने आलू ठंडे पानी में भिगो कर रखे थे उनको भी पानी से निकाल कर हम अच्छे से कुरकुरे होने तक तेल में फ्राई करेंगे। वो बिल्कुल एकदम से क्रिस्पी हो जाने चाहिए। जब हमारे आलू क्रिस्पी हो जाएंगे हम उसे भी बाउल में निकाल लेंगे। और फिर थोड़े से 1/4 कप या 2 बड़े चम्मच के करीब मखाने लेंगे, उन्हें भी हम फ्राई करेंगे और उसको भी बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारे सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं और साबूदाना है सब हमारा फ्राई होकर रेडी हो गया। अब हम उसे अच्छे से बाउल में निकाल के और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी और 1/4 कप किशमिश डालेंगे। इन सबको डालकर हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा साबूदाना फलाहारी नमकीन बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे। और जब भी इसको आप यूज़ करना चाहें व्रत वाले दिन या शाम को चाय के साथ नाश्ते के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं।